नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि तीनों जगह से यहाँ से और यहाँ से सारेगामा कैसे बजता है और अलंकारों को भी आपने बजा लिया होगा। अगले लेसन में हम आपको बताते हैं कि माइनर नोट्स कैसे लगाते हुए गानों को बजाते हैं, तो माइनर नोट्स का प्रयोग हम बताते हैं। आइए देखते हैं। आपको बताए थे कि ये फ्रेट्स हैं, फ्रेट्स में यहाँ से आपने सारेगामा सीखा है कि सा गामा पधा नी सा, तो इस तरह से आपने देखा है सा नी ध प म ग रे रे सा। तो जो स्वर जैसे सा रे, तो रे को माइनर करना है तो एक फ्लैट हो जाएगा, रे अपनी जगह से एक या हो जाएगा। ग ये हम बजाते थे खुले पर, तो लेकिन ये रे के बाद वाला ग ये हो जाएगा, ये फ्लैट ग होगा। तो उसके बाद प अपनी जगह पर होगा, म भी अपनी जगह पर होगा, तो सा रे ग में अगर ग को फ्लैट बजाना है तो ये ग लगेगा रे के बाद वाला ये। उसके बाद म प ध, तो ध को अगर फ्लैट करना है तो अपनी जगह से एक स्वर पहले बजेगा, एक ध कोमल हो जाएगा। फिर उसके बाद नी, तो देख रहे हैं प ध नी, तो नी ये फ्लैट हो जाएगा, फिर अंत में सा। तो गाना बजाने के लिए जैसे मान लीजिए हमने DDLJ सॉन्ग बजाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो नोट्स होगा सा 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 प म प ग म ध प, ऐसे करेंगे तो ग ये लगाएंगे, न कि ये खुले वाला ग ये नहीं लगाएंगे। तो सा 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 प म प ग म ध प, फिर वही चीज सा 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 प म प ग म ग रे। उसके बाद सा रे नी सा ग रे, तो सा रे नी ये नी लगेगा कोमल, तो आप देख रहे हैं सा रे नी सा ग रे। उसके बाद रे ग म नी ध प, जैसा कि आपने देखा है कि ध और नी ये होता है, लेकिन नी अपनी जगह से एक सुर पहले और ध अपनी जगह से एक सुर पहले, इसका मतलब इस गाने में ग ध और नी तीनों कोमल लगते हैं। तो यह दरबारी राग में बना हुआ है, इसलिए दरबारी राग को आपको देखना होगा, तो देख सकते हैं, अपने कमेंट भी डाल सकते हैं, हम बता देंगे। तो दरबारी राग में यह गाना बना है, जिसकी वजह से ग और ध और नी ये वाले लगेंगे कोमल। तो कहते हैं आगे रे ग म म नी ध प ग म प म ग रे सा, इस तरह से पूरा गाना आप ऐसे बजाएंगे सा 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 प म प ग म ध प ऐसे। फिर सा रे नी सा ग रे रे ग म नी ध प ग म प म ग रे सा 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 प म प ग म ध प, इस तरह से आप पूरा तैयार करेंगे और आसानी से बजेगा। अंतरा बजाना प, अंतरा में प प सा सा प ध प, ऐसे करेंगे, छेड़ना नहीं है इधर से, सिर्फ प ध प प प सा सा प ध प प प सा सा प ध प म प ध ग ग ध प म प ध ग ग ध प। आगे प म प म ग रे सा प म प म रे ग म रे म म म नी ध प ग म प म ग रे सा, ऐसे रे ग म नी ध प ग म प म ग रे सा, ऐसे करेंगे रे ग म नी ध प ग म प म ग रे सा 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 प म, इस तरह से आपको पूरा गाना बताते हैं नोट्स के साथ सा 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 प म प ग म ध प सा 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 प म प ग म ग रे सा रे नी सा रे सा ग रे रे ग म नी ध प ग म प म ग रे सा। अंतरा
पापा ससा पद प, पापा ससा पद प, मा पधा गा गा धा प, पम पम गर सा, पम पम रे गा मा नी धा प, गा मा पम गर सा, धा सा सा पम प गा मा धा प। इस तरह से पूरा गाना आप आराम से बजा सकते हैं लीड पर। बाकी आगे कॉर्ड्स बताएंगे अगले लेसन में। थैंक यू।